हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुलू मखा, मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। यानी मुँह संजय थे इंडियन रिएक्शन वो नारोक जो तो नो लमसगो। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, इसका टाइटल है पेट्रोल ने साइड इफेक्ट्स, कुक ब्रोक शॉर्ट ड्रामा 2021। अभीर देव वर्मा सर का वीडियो है और सारा क्रेडिट इनका ही रहेगा। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। और इनके ओरिजिनल वीडियो का और इनके चैनल का नेम अभिर देव वर्मा है, तो इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें बाद में कर लेंगे, लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, तेजा मानू जब फैक्या वीडियो सिखांगो तम नहीं क्या वंखा स्पॉन्सर कंटिन्यू कैसे आंग स्पॉन्सर ना जब तुमको वंखा वन एक्सपेट नहीं ते नरो जरा कंटिन्यू लाइट वाले तो सहमा खाना तम वो क्या वंखा कैसे गेम थिंगे रंगा जी मारे रोग फुटबॉल बास्केटबॉल ये पेटिंग को खाली मारो के पेटिंग के नरो खाई का नो काम तम के पेटिंग खाना का तो रंग रोग मारियो ये बहुत बहुत अच्छी लग रही है कि टोटली नो इनके मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है वहाँ पे भी इनको स्पॉन्सर मिला था वीडियो में भी उनको स्पॉन्सर मिला आई थिंक बेनिफिट माना सुनो हम भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए स्पॉन्सर मिले। यूट्यूब की जितनी भी इनकम होती है उस पर डिपेंड नहीं होन रहना चाहिए किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, क्योंकि YouTube एक रिलीज करने का जरिया होना चाहिए वीडियोस को या फिर उनके फिल्म्स को। इनकम तो स्पॉन्सर से ज्यादा आती है, तो प्लीज इन लोगों को स्पॉन्सरशिप आप जरूर दिया करें। आते फालतू काने बगा रंग तांग खोज खया चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपके नए शॉप या फिर आपके कई शोरूम खुल रहे हैं तो उसके भी आप ऐड दे सकते हैं। नले कोसे दिसिप खिया माजा क्लामिन नो आना हमे इया दे नो ब्रेक अप देना है थादे ओय ओय नो ब्रेक अप देना है ओय तो मसरी भो ब्रश खै को न हले फायदा सर न ओ तिने आबो माजा पुना पिक जा फेके बा बा हम ना हन तो नबर छ तुमसा बे मसे मे दिबा ना पिज्जा के मामी आं ने को ता सरी रो खनामाय आ आ वैलेंटाइन डे को पोरी ना हिता वान छु दिरो नांग नंग या नु माने मान नै मान नै जे को माने मान नै शिया तो माने माने ओ भाई चला या माने रे ने अरे इंगे को तो पोरी नु हनु जा दोनों के एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। दोनों के माने रे खिनी ने बाइक ता बे बे रे रिस्का खनायो अब के तेम दे गम छे तेम दे अब बे बे रे दि दाते के तो बेरे मनो के तो माने छन रुपया में करे दो दो के खरे फेजिस का ठीक है से हां हां मोल जी राम राम दिन प्रीमियम माने रे ने सासु को बा एंस कन क्लाले ठीक का नो माने रो दो दो ब्रो हो भले बेरे ने पस को बा मो से आप खनाले दिन बैग दा बे बेरे ने ठीक के तुम थाना नेक्स्ट डे ये मोबाइल की रिंग है छाती मारे बड़ सुनो रो देखो भाई तो दी ऑटो में थाने लो मां ना था तो स्टे आले क्रॉस से भाई ने रंग आरो ना शो तो दी ना को आपको लगे तुम खुद का वो पीछे कैसे बैठा वो मारे बाप रे खाना
ओतुरो बाइक खाना ही बाबा चु आता रे अने तिले बाइक बस स्टाइल के खाना खरानो पालो हा ब्रो हम मा सुले थाना में टाइम खौ था जा मारे संपो नाइसिन आ जा भाई जल्दी आ जा साइकिल लेके आ गया ए यहाँ क्या कर रहे हो आगे बढ़ना है तो बढ़ क्या बात है हम जे तब रिंग रिंग का हिंदी को हमने फट फट ले रो तो फिर नो कम सुबह भी तो फिर शायद होगा मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तुम्हारे चटनी बनाएगा मैंने आनो मैं थाम भी दुनिया इसने आते या के थाने रानी अरे मिक्सिंग ले आ जा नंग दे तब नंग दे हमने फट फट ने बाय लिखे बोलो बाय आप बाय डिसाइड होगी बाय नंबर यो ओबसे स्पेशल बोरी बैठे नहीं साइकिल बैठना है आ साइकिल पे कैसे बैठेगा इस ड्रेस में लाठू तो खाबो आ आला ने मारे ना भाई फाइनिंग से छाए ऑटो बैठे हैं तो मतलब बोला साइकिल बैठे थे हम ना साथ में तुम दी ए बोझले तो हा तो ए आगे के लोग सब का चला दे किताब सा नमोता रे नमो नमो मिया तो हा दुफा पर लगा हां एमले से पेट्रोल दाम पर मैंने मारा खाऊंगा वो साइकिल रो बस मैम को बाइक पे जाना था भाई बाइक के लेके आए पर साइकिल लेके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा यूज किया है इसमें अभी इन दोनों की बात लगने वाली है शायद तभी से नहीं जा हेलमेट रख चुका था हम कोवर है यो ब्रो हाँ अंकल से नहीं आज तो ही तुम्हें मारे संक्रांत है इधर उतने से ओह फुगा ओह नहीं तब खाए ओह फुग अरे तब बस तंग थोड़ा थोड़ा है इको नहीं मारे को थे यारे साइकिल को स्टैंड भी नहीं है ไปทําจิเดนบกาตอเลยานี่อารมณ์ยังต้องหาตอสะตรานอกตูรอมดิอมาเรจงคาลาโดมาพอเฮ้ย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 เ
उनके ऊपर हंस रहे थे साइता मुसा बोइने मुने ये निजी से हम हाय पेट्रोल दाम बारे माने सीमे ऑटो से काई मान लिया बाइक से का काम है दादा लिंग। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट ड्रामा या शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिंग है सबकी। खास बात करूंगा तो जो आबिर सर है और मैम दोनों की एक्टिंग
बहुत ही ब्यूटीफुल दोनों ने एक्ट किया। जैसे दोनों की एंट्री दिखाई है भाई, उधर से जो क्या बोलते हैं उसको, नीम का होता है या कुछ ऐसा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में भी मुझे पता नहीं है, पर उससे दांत साफ कर रहे थे। मैम आ गई, मैम को पिज़्ज़ा खाना था या कुछ ऐसा ही बोल रही थी वो, मुझे पूरा वहाँ पे समझ में नहीं आया, पर शायद भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे मुँह का बास आ रहा है तो ऐसे मुँह पे हाथ रख के पीछे होके बात कर रही थी। वो वाला मोमेंट बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। और दूसरा जो उनको बाहर जाना था, उसको लग रहा था कि अब वो मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा, तो भाई लेके आए हेलमेट पहन के साइकिल और वहाँ पे जैसे खड़ा किया, तो उन्होंने जिस तरीके से हिंदी में बोला कि अबे जिधर जाना है उधर जा, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड आके तुम्हारी चटनी बनाएगा तो बोलते मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ साइकिल देके उसका मूड इतना ख़राब हो जाता है वहाँ पे, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तीसरा जो मज़ेदार मोमेंट था वो था जैसे ये दोनों साइकिल लेके आते हैं वहाँ पे, और जो दूसरे कपल बैठे होते हैं उनके फ्रेंड्स हो, जो दूसरा कपल होता है सामने बैठा हुआ, वो दोनों जिस तरीके से उनको देख के स्माइल करते हैं, और जो मैम है वो उनका चेहरा ऐसे छुपाती है वहाँ पे, और उसके साइकिल को स्टैंड भी नहीं, साइकिल भी ऐसे छोड़ देता है वहाँ पे वो, तो वो पूरे जो मोमेंट्स है, पूरा जो वो पूरे जो मोमेंट्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इन लोगों ने इतना ब्यूटीफुल एक्ट किया वहाँ पे। जैसे हैप्पी वाला मोमेंट हो या फिर सैड वाला मोमेंट हो, जहाँ पे गुस्से वाला है वो, उनके फेस के एक्सप्रेशंस हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिंग की है। और कैमरा एंगल्स की बात करें तो कैमरा एंगल्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली लिए गए हैं, कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किए। जैसे डायलॉग डिलीवरी है उसकी बात करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी भी रही है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है फिर भी इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, वो देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, बहुत मज़ा आया, सच में पेट्रोल ने वाट लगा के रखी हुई है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि गाड़ी घर पे खड़ी करके एक साइकिल लेके ड्यूटी पे चला जाऊँ, पर ये मुमकिन नहीं है, मेरी ड्यूटी थोड़ी दूर है घर से, अगर मैं साइकिल पे जाऊँगा तो ड्यूटी पे आने का टाइम पे मैं उधर पहुँचूँगा, पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है इसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट भी हो रहा है सब लोगों के ऊपर। जो दोनों हम भाई आनी वीडियो ने मोनी बगवी, तो आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।